आज पूरी दुनिया की नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर टिकी हुई हैं और पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में भव्य तैयारियां चल रही हैं, जहां पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए भारतीय अमेरिकी लोग उत्सुक भी दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वहीं गौरतलब है कि अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रम पहले से ही तय किए जा चुके हैं। यहां पहुंच पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रेस रिलीज के अनुसार पीएम मोदी का मेगा शो उनकी यात्रा के अंतिम दिन यानी 21 जून को होगा, जब पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रिंगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में देश भर के डायस्पोरा नेताओं की आमंत्रण सभा को संबोधित करेंगे। और 2 घंटे का ये मेगा शो प्रवासी भारतीयों के साथ भारत की विकास गाथा पर केंद्रित होगा। तो चलिए ऐसे में आपको पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। नंबर 1, पीएम मोदी का कार्यक्रम 23 जून को शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक स्थानीय समय अनुसार 2 घंटे का होगा। नंबर 2, फेमस अफ्रीकी अमेरिकन हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी बिल्बेन रोनाल्ड रिगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में यूनाइटेड स्टेट इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित डायस्पोरा रिसेप्शन में मौजूद रहेंगी और अपनी प्रस्तुति देंगी। नंबर 3, जनगण मन ओम जय जगदीश हरे गाने के बाद भारत में सुर्खियां बटोरने वाली मैरी मिल्बेन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगी। नंबर 4, रोनाल्ड रिगन सेंटर कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर भरत बरई ने पीएम मोदी को लेकर बेहद बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्ति हैं। नंबर 5, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मोदी का संबोधन वाशिंगटन डीसी में अपेक्षाकृत छोटी सभा होगी, क्योंकि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा बेहद व्यस्त होने वाला है। ऐसे में समय को ध्यान में रखकर कुछ कार्यक्रमों को कम किया गया है। नंबर 6, अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा की संख्या यानी भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 0.5 मिलियन है, जो अमेरिका भर में फैले हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि देश भर के लोग मोदी को देखने और सुनने पहुंचेंगे। नंबर 7, वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के लिए नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय भारतीय प्रधानमंत्री हैं और अब वे सबसे लोकप्रिय विश्व नेता भी हैं। ये बात इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष भरत बरई कई बार कह चुके हैं। नंबर 8, पीटीआई से बातचीत में बरई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास समय का अभाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के लिए अलग से समय निकाला हुआ है। नंबर 9, ऐसे में उनके करीब 1000 की संख्या में ही गिने चुने लोग ही शामिल हो सकेंगे। नंबर 10, 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के सदस्य पहुंच रहे हैं। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।